हेलो फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 194 क्वेश्चन नंबर 5 का 8। प्रूव दैट साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसको प्रूव करने के लिए हम इसके LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। तो यहां लिख लेते हैं फ्रॉम LHS। अब LHS को हम इसको लिख लेते हैं यहां पे। तो ये क्या है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब यहां हम देखें ये क्या है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये भी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो इसमें ये आइडेंटिटी लगा देते हैं। तो एज वी नो दैट एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई। तो इस आइडेंटिटी को यहां हम लगा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए कोसेक ए प्लस, अब इसमें भी वही आइडेंटिटी लगेगी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस टू कॉस ए और सेक ए। ठीक है, ये हो गया। अब यहां से हम देखें ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको हम साथ साथ ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब बाकी का हम ये लिख लेते हैं, कोसेक स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए कोसेक ए प्लस कॉस स्क्वायर हम यहां लिख चुके हैं, तो प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस टू कॉस ए सेक ए, ये हमने यहां पर लिख लिया। अब देखिए हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो हम यहां साइड में लिख देते हैं एज वी नो, अब यहां पर लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया 1 प्लस, अब ये कोसेक स्क्वायर ए जो का तो लिख देंगे कोसेक स्क्वायर ए, और यहां पे देखें ये साइन और कोसेक, तो कोसेक की आइडेंटिटी क्या है, कोसेक कोसेक का फॉर्मूला क्या है, कोसेक ए किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन ए का। तो कोसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। तो यहां पे लिख लेते हैं हम प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए की जगह क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए। और अब यहां पे सेक स्क्वायर ए, तो इसको जो का तो लिख देते हैं प्लस सेक स्क्वायर ए, और प्लस
अब यहां देखें कॉस ए और सेक ए क्या है, रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, तो सेक ए की क्या है, सेक ए किसका रेसिप्रोकल है, कॉस ए का, तो यहां पे लिख देंगे सेक ए इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस ए, ये हमने लिख दिया। अब ये यहां पे साइड में हम लिखते जा रहे हैं, तो यहां पे क्या हो गया, टू कॉस ए इंटू सेक ए की जगह क्या हो गया, वन अपॉन कॉस ए, वन अपॉन कॉस ए। अब देखिए यहां पे साइन ए से साइन ए कैंसल, कॉस ए से कॉस ए कैंसल, करेक्ट, और ये यहां पे कॉस ए स्क्वायर ए बचा और यहां पे ये बचा, तो अब हम इनको लिख लें, यहां पे रीअरेंज कर लें अगर, तो ये हो जाएगा वन प्लस ये टू, टू अंदर टू तो यहां पे टू आ गया, प्लस टू प्लस यहां पे क्या है कॉस एक स्क्वायर ए, तो कॉस एक स्क्वायर ए, तो कॉस एक स्क्वायर ए के लिए क्या आइडेंटिटी लगाएंगे हम, कॉस एक स्क्वायर ए, कॉस एक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो यहां पे लिख देते हैं हम यहां पे वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, करेक्ट, और ये हमने टू लिख ही लिया यहां पे, और ये सेक स्क्वायर ए बचा, तो सेक स्क्वायर ए की आइडेंटिटी भी लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है वन प्लस टेन स्क्वायर ए, तो ये हमने सारी आइडेंटिटी यहां पे सारे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यहां पे लिख दिए, और ये इनके द्वारा हम यहां पे क्या लिख देंगे, यहां पे सेक स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे हम, वन प्लस टेन स्क्वायर, यहां पे क्या हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर ए। अब ये कितना हो गया देखिए, काउंट करें इनको, वन प्लस टू थ्री, थ्री प्लस टू फाइव, फाइव प्लस वन सिक्स, और सिक्स प्लस वन सेवन, तो हमारा काम हो गया, सेवन प्लस कॉट स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर ए, तो सेवन प्लस कॉट स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर, यहां पे क्या है सेवन प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, तो इसको रीअरेंज कर दीजिए, तो इसको रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा सेवन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, तो ये हो गया आर एच एस, सो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, करेक्ट। प्लीज इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और प्लीज इस बेल आइकन को दबाइए।